दोस्तों, जब आप फेसबुक ऐप को ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का एरर आपके सामने आ जाता होगा। तो आपको मैं यहाँ पे पढ़कर सुना देता हूँ। पेज इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है फेसबुक के अंदर। और हाँ गाइज, आज का ये प्रॉब्लम 2 से 3 दिन से प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम बस पाकिस्तान लोगों को है। जो पाकिस्तान के कंट्री के हैं उन्हीं को ये प्रॉब्लम शो कर रही है। तो आपको मैं बताऊंगा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ और आपको फेसबुक इंस्टाग्राम से रिलेटेड वीडियो भी लाता रहता हूँ फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। और साथ ही में आपके यूट्यूब पर भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा। वो भी ये जो पाकिस्तान के लोग हैं इन सभी को यही प्रॉब्लम है। फेसबुक इंस्टाग्राम वो लोग नहीं ओपन कर पा रहे हैं, ठीक है, लॉग इन लॉग आउट कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊँगा इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स आउट कर सकते हो, वीडियो को कम्प्लीट देखना। सो गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे होम स्क्रीन आने के बाद आपको यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन करना है। यहाँ पे आपको प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको सर्च बार पे आ जाना है। यहाँ पे सर्च करना है फेसबुक। यहाँ पे आप जैसे ही सर्च करते हो गाइस, आपको यहाँ पे अपडेट मिलेगा, ठीक है। फेसबुक को आपको अपडेट कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का अपडेट यहाँ पे हो रहा है हमारा, ठीक है। तो आप लोग भी इसको अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन में आ जाइएगा। फ़ोन की जो सेटिंग होती है, यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐप्स का, या फिर ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर क्लिक करना। वहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैनेज ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फेसबुक को यहाँ पर सर्च कर लेना है, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे मैं फेसबुक को सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे फेसबुक अभी सर्च हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही फेसबुक आता है आपको मैं बताऊँगा आपको करना क्या है। सो गाइज, फेसबुक पर आने के बाद आपको यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर कैच कर देना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा क्लियर डाटा का। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपकी आईडी यहाँ पे लॉग आउट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कैच कर देता हूँ। आप क्लियर कैच भी कर सकते हो, क्लियर ऑल डाटा भी यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ऑल डाटा करोगे तो आपकी आईडी यहाँ पे लॉग आउट हो जाने वाली है। तो आप ओके भी कर सकते हो क्लियर ऑल डाटा पर क्लिक करके। उसके बाद करना क्या है गाइज, आपको यहाँ पर आना है सर्च बार में, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे प्ले स्टोर में आने के बाद आपको सर्च बार में आना है। यहाँ पे आप जैसे ही सर्च बार में आते हो आपको यहाँ पे लिखना है सिक्योर, ठीक है। यहाँ पे गाइस जैसे ही लिखते हो सिक्योर वीपीएन करके आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। आप यहाँ से इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको बताऊँगा करना क्या है आपको। गाइस, जैसे ही इंस्टॉल होता है आपको ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा आपको इसको सेटिंग वगैरह कैसे करना होता है। उसके बाद आप अपने अकाउंट को यहाँ पे लॉग इन लॉग आउट सब कुछ कर सकते हो। आपके आईडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हो फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाने वाला है। सो गाइस, यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है। चेकिंग नेटवर्क सेटिंग इस तरह से ऑप्शन आएगा, तो आपको थोड़ा सा वेट कर ले। सो गाइज, आपके सामने कुछ इस प्रकार का अगर पैसे वैसे आता है पैसे मांगने के लिए तो आपको इसको ऊपर कट कर देना है। ऊपर से कट करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा फिर वेट कर लेना है गाइज। यहाँ पे वेबसाइट थोड़ा सा वेट लेती है, यानी कि ऐप्स को थोड़ा वेट करना होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा आपको फिर क्या करना होगा। सो गाइज, जैसे ही आपको यहाँ पे वेट कर ले तो ऊपर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस तरह से वर्ल्ड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो ऑटो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइज यहाँ पे फिर क्लिक करना है, ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद आप अपनी अकाउंट को यहाँ पे यूज कर सकते हो आसानी से, बहुत ही यूनिट स्टेट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इस पर भी क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे फेसबुक को ओपन करना और आप यहाँ से फेसबुक को अपने यूज कर सकते हो बहुत ही आसानी से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आपको मैं लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, इस तरह से आप भी यूज कर सकते हो। अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यहाँ से लॉग इन लॉग आउट सब कुछ कर सकते हो, लाइक्स भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप गाइज आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो से अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। अगर आपको कोई डाउट हो वीडियो से तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।